सेब की शुरुआती किस्मों के दाम अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में सेब उत्पादक खुश हैं। लेकिन साथ ही उनमें निराशा भी है, क्योंकि व्यापारियों ने सरकार के नए नियमों की आड़ में धोखाधड़ी का एक नया साधन ढूंढ लिया है। सेब उत्पादक आने वाले दिनों में व्यापार और बाजार को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ग्रेडर्स द्वारा कम वजन देने के कारण उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। ये किसान इस मामले पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। जानिए उनका क्या कहना है। अभी जो देखा जाए, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज शुरू है सीजन की, सेब सीजन की। अभी जो है, अभी अर्ली जो वैरायटियां हैं वो तैयार हुई है, जैसे नाशपाती हो गया, टाइटमैन हो गया, समर क्वीन हो गया, ये वैरायटी, वो भी लो एलिवेशन के जो एरिया है वहाँ से अभी सेब आ रहा है। तो जैसे हमारा लो एलिवेशन में चुराग आ गया, बक्साड़ एरिया हो गया, करसो के जो लो एलिवेशन वाले एरिया, वहाँ से सेब आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले कन्फ्यूजन तो ये है कि जो इस बार जो रूल चेंज हुआ है, इस बार जो सेब पेटियों के हिसाब से ना बिकने के बजाय बल्कि किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इस बार जो है वो ग्रोबर में ये है कि वो पेटियों को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तय में भरें। पहले वेट 24-25 किलो से ऊपर जाता था और डिमांड भी मार्केट में रहती थी, जितना ज़्यादा आपका वेट होता है उस हिसाब से आपको रेट मिलते थे। बट इस बार गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया है कि आपका 24 किलो से ऊपर विद कार्टन जो बॉक्स है वो नहीं जाना चाहिए। तो एवरेज आपका कार्टन काट के 2 किलो कार्टन का हो गया, उसको काट के फिर 22 किलो का आपका फ्रूट रहता है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये है कि किसान तो ये पहले तो उस भरने में समस्या आ रही है कि 5 लेयर भरे, 6 लेयर भरे, अब लो ग्रेड रखे उसके दाम मार्केट में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर हाई ग्रेड रखते हैं तो फिर वेट उसका ऊपर जा जाता है। पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है। बहुत अच्छी वैरायटी आई है जी, अच्छे रंग आ रहा है, अच्छा सेब बन रहा है, पर सबसे प्रॉब्लम ये है कि आज जो वेट है, वेट पर सबसे प्रॉब्लम जा रही है। अब 2 किलो कटौती हो रही है, फिर जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो भी भूस के ही भाव में जा रहा है इसमें। नहीं तो टोटल वेट करके ग्रोवर को उससे कटौती करते, मान लो 30 किलो की पेटी आ रही है तो 2 किलो काट के एक्स्ट्रा तो बढ़ जाता हो, तो उन्हीं के खाते में जा रहा है, इसमें ग्रोवर तो घाटे में है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं, या तो फिक्स कार्टन हो एक? हाँ जी, या तो फिक्स कार्टन हो, फिर उस हिसाब से, क्योंकि ना बढ़ेगा ना घटेगा कार्टन। वहीं हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इस पर विचार करने की बात कही है। अब कोई नया हम कोई स्कीम शुरू करते हैं, कोई ना कोई उसमें जो है कमियां रह जाती है, और कमियों को दूर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये जो हमने स्कीम लाया था बाय वेट का, और 24 किलो हमने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन में जो है 24 किलो ही आता है, 24 किलो मतलब बारदाने के साथ आता है, एप्पल जो आता है तो 22 किलो और थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो 2 किलो का जो है उसमें बारदाने का रहता है। तो हमने की फसल डैमेज ना हो, यूनिवर्सल कार्टन में मैक्सिमम जो वेट है उसी लिए हमने 24 का एक पैमाना रखा कि मार्केट में ना आए। परंतु इस बार, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर टेलीस्कोपिक जो है कि कार्टन चले थे, और लास्ट ईयर के बहुत सारा जो टेलीस्कोपिक कार्टन है फार्मर्स के पास पड़े हुए हैं, तो उसको जो है जो बर्बादी होनी थी अगर हम इस बार यूनिवर्सल पे ही जाते, तो हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखा कि लोग चाहे यूनिवर्सल में लाएँ, चाहे आप टेलीस्कोप में लाएँ, चाहे आप क्रेट में लाएँ, पर अपर लिमिट हमने मार्केट में रखा ताकि फसल ठीक से आए, डैमेज ना हो। 24 का रखा, 24 से नीचे आप जितना मर्जी, आपके ऊपर चॉइस पर था, आप चाहे 12 किलो का पैकेट लाओ, चाहे आप 2 दाने वाला पैकेट भी लाओ, पर बिकना सारा वेट से। तो एक काम तो बड़ा अच्छा हो गया हमारा, और सब ने इसको माना भी है कि बाय वेट जो है ले रहे हैं। दिक्कत आई है कि अब 24 नहीं होना चाहिए, तो इसमें मुझे कई लोगों के रिप्रेजेंटेशन भी मिले हैं, आज मैंने फार्मर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है। तो इसके लिए मैं जो है 5 तारीख को अधिकारियों की बैठक बुला रहा हूँ, और इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे, और अगर सारे मतलब फीडबैक लेने के बाद अगर इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वी आर फॉर चेंज।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसल की कटाई एक सप्ताह से अधिक समय से शुरू हो गई है। सेब की कीमत 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस साल सरकार ने फलों की पैकेजिंग के लिए 24 किलोग्राम के डिब्बे की सीमा तय की है। किसान उचित 24 किलोग्राम पैक करने में सक्षम नहीं है और उन्हें फलों की स्वीकार्य सीमा के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है।